प्रेमी घूमने के बहाने ले गया जंगल में, दोस्तों के साथ मिलकर की गैंगरेप की कोशिश, युवती ने किया विरोध तो दुपट्टे से गला ऐंठ कर चाकुओं से 24 वार कर दी हत्या। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरोजनी नगर के पास 13 जून को सुबह सुबह एक युवती की लाश बरामद हुई। युवती की लाश की हालत इतनी क्षत विक्षत थी जिसे देखकर लोग काम गए। पुलिस ने जो है इस मामले को फौरन जांच में लेते हुए जब इस युवती के परिवार का पता लगाया तो करीब के स्कूटर चौराहा कॉलोनी की रहने वाली थी। वहां अपने माता पिता और अन्य भाई बहनों के साथ रहती थी। पिता ने बताया कि मोहम्मद कैफ नामक उसका एक दोस्त था जिसके साथ वो ज्यादातर फोन पर बात करती थी। 12 जून को मोहम्मद कैफ और इस युवती की बातचीत हुई फोन पर। युवती ने बताया पिता काम पर गए हुए, माँ गांव गई हुई है सीतापुर जो कि करीब में ही है, वो घर पर अकेली है। तो मोहम्मद कैफ ने उसे घूमने के लिए मना लिया। जब मोहम्मद कैफ की इस युवती से फोन पर बात हो रही थी उस वक्त मोहम्मद कैफ करीब के ही गहरू जंगल में अपने दोस्त आकाश यादव और विशाल कश्यप के साथ ताड़ी पी रहा था। उसने दोस्तों से कहा कि वो युवती को लेकर आ रहा है और मोटरसाइकिल पर जाकर वो युवती को लेकर आया। अपुष समाचारों के अनुसार पहले कैफ ने अपने झांसे में लेते हुए इस युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। उसके बाद दोनों दोस्त आकाश यादव और विशाल कश्यप युवती के साथ गैंगरेप करना चाह रहे थे जिसका युवती ने विरोध किया और इन्हें धक्का देकर वो भागने लगी। विशाल कश्यप ने पीछे से लड़की के पीठ पर चाकू से वार कर दिया। लड़की फिर भी भागने का प्रयास कर रही थी मगर तीनों ने उसे पकड़ लिया। उसके दुपट्टे से उसका गला दबा करके फिर चाकुओं से एक के बाद उसके शरीर पर 24 वार कर दिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि गुप्तांग पर भी वार किया गया, इतनी निर्ममता इन तीनों ने दिखाई। वहीं जब पुलिस ने लाश बरामद की और उसके बाद परिवार से ये पता चला कि मोहम्मद कैफ लड़की का करीबी दोस्त था, एक तरह से प्रेमी था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सारी मालूमात हासिल की और कैफ को गिरफ्तार कर लिया। कैफ ने अपराध स्वीकार किया, साथ ही उसकी दी गई जानकारी पर आकाश यादव और विशाल कश्यप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।